नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। इस वर्ल्ड कप में सभी 10 टीमों पर पैसों की खूब बारिश होने वाली है। जी हां, उन 10 टीमों पे तो बारिश होगी ही, साथ में जो टीमें सेमीफाइनल में फाइनल में अपनी जगह बनाती है उन 4 और 2 टीमों पे भी काफी पैसों की बारिश होने वाली है। तो क्या कुछ ICC ने प्राइज मनी रखा है, वर्ल्ड कप विजेता के लिए क्या प्राइज रकम होगा, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो ICC ने वर्ल्ड कप की प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि मिलेगी। जी हाँ, 4 मिलियन। जबकि फाइनल मुकाबले में हारने वाली यानी रनर अप टीम को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। अब अगर इसे भारतीय रुपए में हम देखें तो वर्ल्ड कप चैंपियन टीम को तकरीबन 33 करोड़ 17 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि फाइनल में हारने वाली टीम को तकरीबन 16 करोड़ 58 लाख रुपए मिलेंगे। अब सोचिए इन टीमों पर कितनी बड़ी भारी भरकम रकम की बारिश होने वाली है। इसके अलावा वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच जीतने पर, सिंगल ग्रुप मैच जीतने पर $40,000 टीमों को मिलेंगे, जबकि ग्रुप स्टेज के बाद बाहर होने वाली टीम को $1,00,000 मिलेंगे। वहीं सेमीफाइनल में टॉप 4 में पहुंचने वाली टीमों को $8,00,000 मिलेंगे। ये बता दें कि इस वर्ल्ड कप का 4 अक्टूबर को ओपनिंग सेरेमनी होना है। वहीं इसके बाद 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक ये पूरा वर्ल्ड कप का कार्यक्रम चलेगा। लेकिन इससे पहले यह भी जान लीजिए कि 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे इस वर्ल्ड कप का पहला मैच अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच शुरू होगा, लेकिन भारत का पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। वहीं इस वर्ल्ड कप के लिए अगर वार्म अप मैच को देखें तो फ्राइडे शुक्रवार से वार्म अप मैच की शुरुआत हो रही है, जहां बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में आपको दिखाई देगी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीम ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में दिखाई देगी। वहीं तीसरा वार्म अप मैच इसी दिन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा देखें तो 30 सितंबर को भारत और इंग्लैंड के बीच बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में एक और वार्म अप मैच आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की टीम भी इसी दिन तिरुवनंतपुरम में भिड़ेगी। इसके बाद तीसरे वार्म अप की तरफ बढ़े तो 2 अक्टूबर को इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच आपको गुवाहाटी में तीसरा वार्म अप मैच देखने को मिलेगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच भी इसी दिन वार्म अप मैच देखने को मिलेगा। वहीं 3 अक्टूबर को अफगानिस्तान और श्रीलंका, इंडिया और नीदरलैंड की टीम वार्म अप मैच खेलेगी। वहीं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इसी दिन आपको वार्म अप मैच खेलते हुए दिखाई देगी। लेकिन इन सबसे इतर अगर एक बार फिर से हम रकम की बात कर ले तो जो ICC ने प्राइज मनी रखा है वो वाकई इस बार सबसे अधिक है। हर बार की तुलना में इस बार कहीं ज़्यादा टीमों के लिए प्राइज मनी रखा गया है। तो सभी 10 टीमें टूर्नामेंट में इस प्राइज मनी को देखते हुए यही चाहेगी कि वो टॉप 4 में अपनी जगह बनाए। हालांकि सभी 10 टीम जब भाग लेने आती है ऐसी टूर्नामेंट में, ऐसे ICC वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में, तो उनका मिशन एक ही होता है, वर्ल्ड कप जीतना। लेकिन हालांकि जो टीमें वहां तक नहीं भी पहुंच पाए तो उनकी कोशिश यही होती है कि एटलीस्ट सेमीफाइनल तक का तो सफ़र वो तय कर ही ले। क्योंकि अगर टीमें ऐसा करती है तो उन्हें 2 फायदे होते हैं। एक तो उनका उनके देश का क्रिकेट काफ़ी ग्रो होता है, काफ़ी बढ़ता है। इसके अलावा उन्हें इस बार अगर वो आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी भारी भरकम प्राइज मनी भी इन्हें मिलेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।